हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वर्ट एजुकेशन क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ को। आज जो हम लोग का टॉपिक है वह है अशोक द्वारा कितने स्तंभ बनाए गए और वह कौन कौन से स्तंभ हैं। यह इम्पॉर्टेंट है और पेपर में एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक यही है। तो आइए अशोक के स्तंभ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग देख लें। चलिए, अशोक स्तंभ पढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग वीडियो के बारे में बताइए, अपनी राय जरूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आइए चलिए देखते हैं अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। देखिए, जो अशोक द्वारा निर्मित हैं उसको थोड़ा कुछ हम लोग बेसिक देख लेते हैं। शिला स्तंभ हम लोग देखेंगे। शिला स्तंभ देखिए, मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण किस शासक ने कराया था? अगर स्तंभों का निर्माण पूछे मौर्यकालीन, तो अशोक ने कराए थे। अगला पॉइंट है, अशोक ने कुल कितने स्तंभों का निर्माण कराया? कितने स्तंभों का निर्माण कराया? टोटल 14 स्तंभ अशोक ने बनवाए थे। अगला पॉइंट है, सभी स्तंभों का निर्माण किस पत्थरों से हुआ है? तो अशोक जो 14 स्तंभ बनवाए थे उसका निर्माण जो हुआ है वह चूना के बलुआ पत्थर से हुआ है। किससे? चुनार के जो बलुआ पत्थर है उसी से 14 स्तंभों का निर्माण अशोक ने करवाए थे। अगला पॉइंट है, मौर्यकालीन स्तंभों के कुल कितने मुख्य भाग होते थे? तो मौर्यकालीन स्तंभों के 3 भाग होते थे मुख्य रूप से। अगला पॉइंट है, मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने कौन से स्तंभ हैं? पूछ रहा है मौर्यकालीन के सर्वोत्कृष्ट नमूने किस स्तंभ के हैं? तो अशोक के एकसम स्तंभ, अशोक के एकासम स्तंभ के सर्वाधिक नमूने दिखाई देते हैं। अच्छा, अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों की ऊंचाई कितनी है? पूछ रहा है अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों की ऊंचाई कितनी है? 40 से 50 फीट की इनकी ऊंचाई है। आप लोग ये सब बेसिक चीज़ों को याद करिए रहिएगा। क्वेश्चन में कब कहाँ से क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। तो इनकी जो ऊंचाई है अशोक के स्तंभों की वो 40 से 50 फीट है। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं, अशोक के स्तंभों पर धर्म लेख किस लिपि में लिखे गए हैं या उत्कीर्ण मतलब लिखे गए हैं? तो अशोक के स्तंभों पर जो लेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मणी लिपि में। अगला पॉइंट है, अशोक के शिला स्तंभों को क्या कहा जाता है? अशोक का जो शिला स्तंभ है उसे अशोक के लाट बोलते हैं, अशोक की लाट। अगला पॉइंट है, मौर्यकालीन स्तंभ किस प्रकार के हैं? तो सपाट है, गोल है, गोल और उस पर चिकनी ओपदार पॉलिश भी है। सपाट गोल है और उस पर चिकनी ओपदार पॉलिश है। अगला पॉइंट है, सांची स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह स्थित हैं? तो सांची के स्तंभ पर शीर्ष पर 4 सिंह स्थित हैं। अगला पॉइंट है, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह हैं? सारनाथ के स्तंभ पर शीर्ष पर 4 सिंह हैं। फिर अगला पॉइंट है, सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों के साथ स्थित चक्र किसका प्रतीक है? पूछ रहा सारनाथ स्तंभ पर जो 4 सिंह हैं उसी के साथ चक्र है, चक्र वह किसका प्रतीक है? वह प्रतीक है धर्म चक्र प्रवर्तक। किसका है? धर्म चक्र प्रवर्तन का। अगला पॉइंट है, अशोक स्तंभ पर कितने पशु अंकित हैं? अगर पूछे अशोक के स्तंभ पर कितने पशु अंकित हैं तो 4। कितने? 4, 4। अगला पॉइंट है, अशोक स्तंभ पर कौन से पशु अंकित हैं? 4 पशु अंकित हैं, वह कौन कौन से पशु हैं? एक हाथी है, घोड़ा है, साढ़ है और शेर है। यही 4 पशु अंकित हैं अशोक के स्तंभ पर। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अशोक के जो स्तंभ लेख है उसके बारे में देख लेते हैं बेसिक चीज़ों को। देखिए, उन्होंने 14 स्तंभ बनाए हैं, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट है, हम लोग वही पढ़ेंगे। देखिए,
दिया है। 14 लेखों की तरह अशोक ने पाषाण स्तंभों पर भी 7 लेखों का समूह उत्कीर्ण करवाया था जो 6 स्थानों पर है। मतलब अशोक 14 लेखों का स्तंभ बनवाए थे, वह पाषाण स्तंभों का 7 पर इन्होंने लेख लिखवाए थे, वह 6 स्थानों पर है। 14 में 7 स्तंभ पर लेख लिखवाए थे, वह जो 7 पर लिखवाए थे वह 6 स्थानों पर रखा गया है। हम उन्हीं 6 स्थानों को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला जो दिया है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, एक इस पर लिखवाए थे। टोटल 14 बनाए हैं, 7 पर लिखवाए हैं और 7ों 6 स्थान पर हैं, वही 6 स्थान को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इसमें क्या खासियत है देखते हैं। केवल इसी पर 7ों लेख उत्कीर्ण हैं, शेष सभी पर 6 लेख उत्कीर्ण हैं। जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है उस पर 7ों लेख लिखे गए हैं, शेष पर 6 लेख हैं, इस पर 7 लेख है दिल्ली टोपरा स्तंभ पर, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा जो है इनका दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दूसरा जो है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसमें क्या खासियत है देखते हैं। इस स्तंभ पर केवल 6 लेख ही हैं, इस पे जो है केवल 6 लेख हैं। अगला पॉइंट कह रहा है इसी लेख में, इस दोनों स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। यह जो मौर्यकालीन अशोक का जो स्तंभ है दिल्ली टोपरा स्तंभ और दिल्ली मेरठ स्तंभ, इसको जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने ही दिल्ली में स्थापित करवाया था, फिरोज शाह तुगलक, आप लोग याद रखिएगा। इनका जो तीसरा स्तंभ है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख की क्या खासियत है इसको देख लेते हैं। तीसरा, वर्तमान समय में यह इलाहाबाद दुर्ग में स्थित है। इस स्तंभ लेख पर ही समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेख है जिसका निर्माण हरिषेण ने किया था। इस स्तंभ की लंबाई 42 फीट है, यह हल्के गुलाबी रंग तथा पॉलिश किया हुआ है। इसकी जो लंबाई 42 फीट है जिसका निर्माण अगर पूछो तो हरिषेण सिंह ने किया था। यह समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति का लेख है, समुद्रगुप्त का, और यह गुलाबी रंग तथा पॉलिश किया हुआ स्तंभ है। अब इनका हम चौथा देख लेते हैं, लोरिया अरराज स्तंभ लेख। चौथा क्या है, लोरिया अरराज स्तंभ लेख, इसकी क्या खासियत है देखते हैं। यह स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ? बिहार के चंपारण जिले में। इसकी ऊंचाई 36 फीट है, कितने? 36 फीट। अब आइए देखते हैं अगला। अब इनका पांचवा देखते हैं स्तंभ लेख वाला अशोक का, यह लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है। कौन सा? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, इसकी क्या खासियत है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, यह बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 32 फीट है। इसके शीर्ष पर कमलाकर, जिस पर एक सिंह उत्तर की ओर मुख कर है, इसके शीर्ष पर कमल है और इसके जो सबसे ऊपर है वह एक सिंह है, शेर, और वह उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ का यही विशेषता है। अब इनका अशोक का लास्ट देखते हैं, छठा, रामपुरवा स्तंभ लेख। कौन? छठा है रामपुरवा स्तंभ लेख, इसकी क्या खासियत है। यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, ठीक, बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 44 फीट है। इसकी और क्या खासियत है, गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के होते थे? तो एक प्रकार के, और मौर्यकालीन स्तंभ कितने भागों में विभक्त थे? 3 भागों में। तो अब देखिए अशोक 14 बनवाए थे, 7 स्तंभों पर लेख लिखाए थे और 7 स्तंभ पर लेख लिखाने के बाद यह 6 स्थानों पर हैं, 2 तो दिल्ली में है और 4 और अन्य स्थानों पर हैं जो हम डिटेल से पढ़े। अब आइए देखते हैं अशोक के 14 स्तंभ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं।
देखिए अशोक का जो 14 स्तंभ है, 14 को देख लेते हैं। पहला स्तंभ इनका दिल्ली है, टोपरा जिले अंबाला में है। कहाँ? टोपरा जिले अंबाला में है। दूसरा जो है दिल्ली मेरठ वाला, यह मेरठ में है, ठीक। तीसरा जो है प्रयाग स्तंभ लेख, यह कौशाम्बी में प्राप्त, वर्तमान में इलाहाबाद जिले में स्थापित है। कौशाम्बी, अब यह मान लीजिए जिला हो गया कौशाम्बी, इलाहाबाद जिले में स्थापित है। अब चौथा देखते हैं, सारनाथ में स्थापित, जिसे खंडित भी कहते हैं, यह सिंह शीर्ष है। कहाँ? सिंह शीर्ष। अब पांचवा है लोरिया अरराज, यह जिला चंपारण बिहार में स्थापित है, ठीक। छठा जो है लोरिया नंदनगढ़, यह जिला चंपारण बिहार में स्थापित यह भी है। सातवां है रामपुरवा, यह कहाँ है? रामपुरवा जिला चंपारण, जिला बिहार में है। इसकी क्या खासियत है? वृषभ शीर्ष पर है, मतलब वहाँ बैल जो है वह शीर्ष पर है। आठवां है रुकमन देई, यह नेपाल में है। नेपाल में कहाँ? भगवानपुर में, तहसील में। इसकी जो खासियत है वह अश्व शीर्ष पर, मतलब घोड़ा जो है शीर्ष पर है। नौवां है प्रयाग स्तंभ, यह कौशाम्बी में स्थापित है। कहाँ? कौशाम्बी एक जिला हो गया है। और दसवां है सांची की पहाड़ी पर स्थापित खंडित। इसकी क्या खासियत है? यहाँ पर जो शीर्ष पर, यहाँ पर सिंह है, शेर। इजरामा है बरबारा गांव, कहाँ? बरबारा गांव, यह कहाँ है? जिला मुजफ्फरपुर बिहार में है, स्थापित है। बारहवां है रड़िया गांव, रड़िया गांव कहाँ है? जिला चंपारण बिहार में स्थापित है, यह अभी बिहार में है रड़िया गांव। 13वां है संकिसा, संकिसा कहाँ है? जिला फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इसकी क्या खासियत है? हस्त शीर्ष पर है। क्या? हस्त जो है वो शीर्ष पर है इस स्तंभ पर। लास्ट 14वां है निगलिवा गांव, यह निगाली सागर में स्थापित है। यही 14 है। 14 कौन कौन से हैं? दिल्ली है जो टोपरा जिले में, अंबाला जिले में है। दूसरा है दिल्ली मेरठ में है। तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख है, जो यह कौशाम्बी से प्राप्त है, वर्तमान में इलाहाबाद में स्थापित है। फिर अगला है सारनाथ में स्थापित खंडित, इसकी क्या खासियत है? यह शीर्ष पर सिंह है। फिर अगला है लोरिया अरराज, यह जिला चंपारण बिहार में स्थापित है। अगला फिर लोरिया नंदनगढ़ है, यह जिला चंपारण बिहार में है, इसकी शीर्ष पर क्या है? सिंह है। फिर अगला है रामपुरवा, यह जिला चंपारण बिहार में स्थापित है, इसकी क्या खासियत है? ऊपर बैल है शीर्ष पर। फिर अगला है रुक्मणी देवी देई, यह नेपाल में है, नेपाल के भगवानपुर तहसील में है, इसकी क्या खासियत है? अश्व है शीर्ष पर। फिर अगला है प्रयाग स्तंभ जो कौशाम्बी में स्थापित है। फिर अगला इनका जो स्तंभ है अशोक का, वो सांची की पहाड़ी पर स्थापित है, इसकी शीर्ष पर है सिंह। फिर अगला क्या कौन सा है? बरबारा गांव, यह जिला मुजफ्फरपुर बिहार में, यह भी स्थापित है। अगला है जो रड़िया गांव, यह चंपारण बिहार में स्थापित है। फिर संकिसा है, यह जिला फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, इसके शीर्ष पर हस्त शीर्ष पर है। फिर अगला 14वां है निगलिवा गांव, यह निगाली सागर स्थापित है। तो अशोक का 14 का 14 हम बता दिए, और 14 की 7 पे लेख हैं, और 7 जो लेख हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? 6 स्थानों पे हैं, 2 दिल्ली में हैं, अदर मतलब 5 और अन्य स्थानों पे हैं। आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आप लोग की राय हो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो आज यहीं तक।